हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम विश्व की सभी झीलें कवर करेंगे मैप के माध्यम से। ये आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस लेखपाल या फिर जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, यहाँ पे हम मैप के माध्यम से कवर करेंगे और जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं वही सब चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। और इसमें कुछ कॉमन क्वेश्चन है, सबसे पहले जो मैंने कॉमन क्वेश्चन लिख लिए हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी झील विश्व की कौन सी है, तो कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है। या फिर पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर है। अब कैस्पियन सागर से ही क्वेश्चन बनता है कि ये कैस्पियन सागर जो है इससे कितने देश की सीमा लगती है, तो पांच देशों की सीमा कैस्पियन सागर से लगती है। वो देश कौन कौन से हैं, तो पहला हो गया है रूस, ये रूस, उसके बाद कजाकिस्तान, इधर से कजाकिस्तान आता है, फिर तुर्कमेनिस्तान, इधर से आता है ईरान, और इधर से अजरबैजान, छोटा सा देश। तो यही याद रखना है हमको, एक में ना नहीं लगा, बाकी सबके लास्ट में ना लगाए, रूस, उसके बाद कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। ये हो गया कैस्पियन सागर, जो कि सबसे बड़ी झील है विश्व की और खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है। दूसरी बात, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, अगर ओवरऑल देखा जाए तो सेकेंड लार्जेस्ट है। कैस्पियन सागर के बाद दूसरा नंबर किसका आता है, सुपीरियर झील की, लेकिन केवल मीठे पानी की बात करें तो सबसे बड़ी हो जाती है। इसकी सीमा किसे किसे लगती है, तो अमेरिका और कनाडा से। इसे अभी ग्रेट लेक्स के अंदर पढ़ेंगे हम, इसमें मैप के थ्रू भी। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील, जिसका सीमा किसे लगती है, अमेरिका और कनाडा से। नेक्स्ट है, सबसे गहरी झील कौन सी है विश्व की, तो बैकाल झील। बैकाल झील कहाँ पे स्थित है, तो ये रूस में स्थित है। बैकाल झील सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकाल झील रूस में स्थित है। फिर है, सबसे लंबी झील कौन सी है, अगर लंबाई में बात की जाए सबसे लंबी झील कौन सी है, तो अफ्रीका की एक झील है जिसका नाम है टंगनिका झील। अब टंगनिका झील की सीमा किससे किससे लगती है, तो तंजानिया से, जाम्बिया से और जायरे से। टंगनिका झील की सीमा याद रखिएगा, काफ़ी यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आता है, टंगनिका झील की किससे सीमा, तंजानिया, जाम्बिया और जायरे। जायरे वही है जिसे डेमोक्रेटिक ऑफ कॉन्गो, उसको जायरे बोलते हैं। तो टंगनिका झील ये हो गई। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील कौन सी है, तो एक झील है जिसका नाम है टिटिकाका झील, जिसे हनीमून लेक भी कहा जाता है। हनीमून लेक अगर डायरेक्टली पूछ लिया जाए किसे कहते हैं, हनीमून लेक, यहाँ पे लेक लिखना है, तो ये है टिटिकाका लेक। कहाँ पर स्थित है, तो दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट में दो देश की सीमा पर स्थित है, बोलिविया और पेरू की सीमा पर स्थित है टिटिकाका झील, सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील। आगे बात करेंगे, लवणता से प्रश्न पूछा जाता है कि अरेंज करिए इनको लवणता के आधार पर, सेलिनिटी के आधार पर अरेंज करिए, तो इसे देखते हैं। तो लवणता अगर विश्व में देखा जाए सबसे ज़्यादा लवणता वाली झील कौन सी है, वान झील, जो कि टर्की में स्थित है, टर्की या फिर तुर्की उसी को बोलते हैं, वहाँ स्थित है। और इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है मृत सागर या फिर डेड सी जिसे कहते हैं, इसकी सीमा किसे किसे लगती है, जॉर्डन, इसराइल और फिलिस्तीन भी लिखा रहेगा, अगर फिलिस्तीन भी मिल जाए तो फिलिस्तीन भी लगाया जाएगा, क्योंकि इसराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई चलती रहती है, इसलिए हो सकता है फिलिस्तीन ना लिखा मिले। तो जॉर्डन, इसराइल और फिलिस्तीन की सीमा किससे लगती है, मृत सागर से। फिर थर्ड आता है सेलिनिटी में, तो ग्रेट साल्ट लेक, जो कि यूएसए में स्थित है, ग्रेट साल्ट लेक ये है यूएसए में स्थित है, ग्रेट साल्ट लेक यूएसए के उटाह प्रांत में, अगर डायरेक्ट प्रांत का नाम दे दिया गया तो उटाह प्रांत। फिर आता है उत्तरी अमेरिका की सारी लेक्स, सब देख लेते हैं, उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट है ये, इसकी सारी लेक्स, तो इसमें ग्रेट लेक्स जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ग्रेट लेक्स में पांच लेक्स आती हैं, वो कौन कौन सी हैं, इनका क्रम भी पूछा जाता है, पश्चिम से पूरब या फिर पूरब से पश्चिम, तो आपको पश्चिम से पूरब यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ, अगर एग्जाम में पूरब से पश्चिम आए तो उल्टा कर दीजिएगा बस। तो सबसे पहले यहाँ पर लेक है लेक सुपीरियर, ये है लेक सुपीरियर, उसके बाद ये है सुपीरियर, कहाँ पर स्थित है, अमेरिका और कनाडा, ये कनाडा है पूरा, ये है अमेरिका, ये है नीचे वाला मैक्सिको, तीन ही मेजर कंट्री है यहाँ पे, बाकी सभी छोटे छोटे हैं। और ये अलास्का जो है यूएसए का ही पार्ट है, अमेरिका का ही पार्ट है अलास्का। तो जो सुपीरियर झील है वो कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है। फिर दूसरी झील आएगी मिशिगन झील, जो कि केवल अमेरिका में स्थित है, ये मिशिगन झील, ये केवल अमेरिका में, इसकी सीमा कनाडा से नहीं लगती। पूछा जाता है ग्रेट लेक्स में कौन सी लेक ऐसी है जिसकी, जो पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है, तो इनमें से केवल यही लेक है मिशिगन जो पूरी तरह से अमेरिका में, बाकी जो चारों हैं वो अमेरिका और कनाडा की सीमा पे हैं। तीसरी लेक आती है यहाँ पे ह्यूरन लेक, जो अमेरिका और कनाडा पर की सीमा पर स्थित है, ये ह्यूरन ये हो गई थी मिशिगन, पहले सुपीरियर आई, फिर मिशिगन आई, फिर ह्यूरन आई, फिर ये आई है इरी, ये आई है ओंटोरियो। तो बाकी चारों जो हैं दोनों की सीमा पर स्थित है अमेरिका और कनाडा की, केवल मिशिगन अमेरिका में है। अब बात करेंगे, दो नहर हैं जो इन लोगों के बीच में, इन झीलों के बीच में, एक जो है सुपीरियर को ह्यूरन से जोड़ती है, यहाँ पर सू लगा, यहाँ पर भी ऊ की मात्रा लगी ह्यूरन में, इस नहर का नाम है सू नहर,
सू नहर किसके किसके बीच में, सुपीरियर और ह्यूरन के बीच में। एक और नहर है जो मिशिगन और इरी के बीच में स्थित है यहाँ पे, इसका नाम क्या है, इसका नाम है इरी नहर। इरी नहर मिशिगन और इरी के बीच में, इरी नहर सुपीरियर और ह्यूरन के बीच में सू नहर। अब बात करेंगे यहाँ पे एक और यहाँ पे लेक हो गई जिसका नाम है ग्रेट सॉल्ट लेक। ग्रेट सॉल्ट लेक जो कि सैलिनिटी की बात करें, लवणता की बात करें, तो ये विश्व में तीसरे नंबर पे आती है, अमेरिका में स्थित है। अब कनाडा की लेक देख लेते हैं। ये जो पांचों लेक हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे उत्तर से दक्षिण अरेंज करने को एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले ऊपर वाली लेक है ग्रेट बियर लेक, ग्रेट बियर, ये है ग्रेट बियर। उसके बाद ग्रेट स्लेव, पहले भालू आया उसके बाद स्लेव। स्लेव वाली जो गाड़ी आपने बचपन में वो वाली बुक पढ़ी होगी जिसमें स्लेव से कुत्ते गाड़ी खींचते हैं एक, जो जहाँ पे बर्फ़ पड़ी रहती है, तो उसी को स्लेव कहते हैं। तो स्लेव नाम पे ये है झील का नाम कनाडा में। उसके बाद आती है यहाँ पे अथावस्का, अथावस्का ये भी कनाडा में स्थित है। पहले ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, उसके बाद अथावस्का, फिर आती है रेंडियर, रेंडियर, फिर ये आती है विनीपेग, विनीपेग। सो कनाडा की झीलों को काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे उत्तर से दक्षिण करने में। तो ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावस्का, रेंडियर, उसके बाद विनीपेग, और इसमें पश्चिम से पूरब सुपीरियर, मिशिगन, इरी, ओंटारियो, और यहाँ पे एक और लेक है ग्रेट साल्ट लेक। तो ये पूरी लेक हो गई, ये जो कि उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट की सारी लेक्स हो गई। अब देखते हैं दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट की केवल एक लेक इंपॉर्टेंट है जो भी हमने देखी थी, हनीमून लेक या फिर टिटिकाका लेक। यहाँ पे पनामा नहर है, आपको पता ही होगा पनामा नहर, पनामा नहर जो कि उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है। मैंने दक्षिणी अमेरिका का मैप इसलिए नहीं बनाया क्योंकि केवल एक ही लेक यहाँ पे पड़नी है, टिटिकाका लेक, जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य लेक है, बोलिविया और पेरू की सीमा पर स्थित है, बोलिविया और पेरू। फिर अफ्रीका की लेक हमें पढ़ना है तो अफ्रीका का मैप बना लेते हैं, उससे ज़्यादा आसानी होगी। अब देखेंगे यहाँ पे अफ्रीका की झीलें, काफ़ी ख़राब मैप बना है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन सी झीलें हैं अफ्रीका में। तो थर्ड लार्जेस्ट लेक अगर पूछा जाए, सबसे बड़ी लेक कौन सी थी, कैस्पियन सागर। दूसरी लेक, सेकंड लार्जेस्ट कौन सी थी, सुपीरियर, अगर ओवरऑल देखा जाए खारे पानी मीठे पानी की बात नहीं। तो थर्ड लार्जेस्ट कौन सी आएगी, तो विक्टोरिया झील, जो कि कहाँ पर स्थित है, अफ्रीका में। और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये विक्टोरिया झील, ये है विक्टोरिया झील। और इसकी सीमा किससे किससे लगती है, तीन देशों से, एक है इधर तंजानिया, तंजानिया, इधर एक केन्या और इधर एक युगांडा। युगांडा, केन्या और तंजानिया की सीमा लगती है किसकी, तो यहाँ पे विक्टोरिया झील की, ये है विक्टोरिया झील। अब दूसरी झील यहाँ पे आती है, मान लीजिए इसका क्रम पूछ लिया जाए तो सबसे बड़ी झील तो विक्टोरिया हो गई, और ये वाली झील कौन सी है, तो इसे बोलते हैं टंगनिका झील, टंगनिका, जो अभी हमने देखा था कि सबसे लंबी झील कौन सी है, तो सबसे लंबी झील कहाँ पे है, अफ्रीका महाद्वीप की टंगनिका झील। इसकी सीमा किसके किससे किससे लगती है, तो तंजानिया, एक तो तंजानिया हो गया इधर, तंजानिया से लगती है, जाम्बिया और जायरे से, जाम्बिया और जायरे से भी, जाम्बिया और जायरे, इधर जायरे से, जाम्बिया और जायरे से लगती है किसकी, टंगनिका झील की सीमा। अब तीसरी यहाँ पे झील पढ़ेंगे, मलावी झील, तो इसको तीनों का इनका क्रम पूछा जाता है, तो पहले आएगी यहाँ पे विक्टोरिया झील, फिर यहाँ पे टंगनिका झील, फिर मलावी झील। मलावी झील की सीमा मलावी से लगती है, इधर मलावी देश है, ये तो याद ही रहेगा, मलावी की सीमा मलावी से लगेगी। उसके बाद मोजाम्बिक से, इधर एक देश है जिसका नाम है मोजाम्बिक, तो मलावी झील है ये, मलावी झील, ये हो गई टंगानिका झील, ये हो गई विक्टोरिया झील। ये तीनों सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, मलावी की सीमा मलावी और मोजाम्बिक से, टंगानिका की तंजानिया, जाम्बिया और जायरे से, विक्टोरिया झील की सीमा युगांडा, केन्या और तंजानिया से, ये तीनों याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पे केन्या में दो झीलें, एक का नाम है रुडोल्फ, दूसरे का नाम है तुर्काना, रुडोल्फ और तुर्काना, रुडोल्फ और तुर्काना, ये दोनों कहाँ पे हो गई, केन्या में हो गई। रुडोल्फ और तुर्काना कहाँ पे, केन्या में, ये लिखा हुआ है, रुडोल्फ तुर्काना कहाँ पे, केन्या में। और लेक ताना कहाँ पे, ये लेक ताना है, ये है इथोपिया में, लेक ताना इथोपिया में। इसके अलावा एक झील और अफ्रीका से पूछी, अफ्रीका की कई झीलें हमें याद रखनी है, सब देश भी याद रखने कहाँ कहाँ पे हैं, या फिर आप बस अगर लेखपाल के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये झील जो है किस कॉन्टिनेंट में है, तो आपको ये झीलें आपको याद रखनी है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। UPPCS का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कौन कौन से देश की सीमा इसे लग रही है वो भी देखना है। अब यहाँ पे चार्ट झील, चार्ट झील, चार्ट झील की सीमा किससे किससे लगती है, तो इधर एक चार्ट कंट्री है, चार्ट से तो लगेगी ही, चार्ट, उसके बाद इधर नाइजर, नाइजर, फिर इधर नाइजीरिया, चार्ट, नाइजर, नाइजीरिया और कैमरून,
कैमरून। तो चाड झील की सीमा चार देशों से लगती है, चाड, नाइजर, नाइजीरिया और कैमरून। उसके बाद युगांडा, यहाँ विक्टोरिया झील की तंजानिया, केन्या और युगांडा। और यहाँ पे जो ये दोनों झीलें हैं, रुडोल्फ और तुर्काना, ये केन्या में स्थित है, ताना झील है इथोपिया में। और ये सभी चीज़ें लिखी हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मलावी झील मलावी और मोजाम्बिक के बीच स्थित है। और यहाँ पे टंगानिका झील तंजानिया, जायरे और जाम्बिया के बीच स्थित है। ये हो गई पूरी अफ्रीका की झीलें, इसको भी आप अभी मिटा दूंगी मैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हमें सिर्फ एशिया और ऑस्ट्रेलिया की झीलें पढ़नी है। तो एशिया में जो झीलें हैं वो देख लेते हैं। बैकाल झील जो भी हमने देख लिया था, रशिया में स्थित है। रशिया में तीन झीलें स्थित हैं, एक हो गई बैकाल जो सबसे गहरी झील है, इसके अलावा लेगोडा और ओनेगा। लेगोडा, ओनेगा और बैकाल कहाँ पर स्थित है, रूस में स्थित है। उसके बाद अरल सागर है, अरल सागर एक सागर नाम लगा है लेकिन ये भी झील है क्योंकि चारों तरफ से ये स्थल से घिरा हुआ है, इसकी कोई भी सीमा समुद्र से टच नहीं करती। तो ये अरल सागर मान लीजिए तो ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यहाँ पे मैंने बनाया नहीं क्योंकि काफ़ी देश मुझे दिखाने पड़ते हैं एशिया महाद्वीप के। तो ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में अरल सागर। या फिर आपसे पूछा जाए, इस तरह का प्रश्न आ सकता है कि मध्य एशिया में कौन सा ऐसा सागर है जो पूरी तरह से सूख रहा है, इसका काफ़ी पार्ट सूख चुका है, तो यही है अरल सागर जो कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित है। इसके अलावा कजाकिस्तान की एक झील जो काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है वो है बालखस झील। बालखस झील कहाँ पे है, कजाकिस्तान में। उसके बाद आते हैं ऑस्ट्रेलिया पे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे। तो ये पूरा देश ही है तो इसमें एक ही झील इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है आयर्ड झील। आयर्ड, जितनी भी नदियाँ हैं ऑस्ट्रेलिया की लगभग यहीं आके गिरती हैं, आयर्ड झील के अंदर आके गिरती हैं। अगर दो नदियों को ऑस्ट्रेलिया के छोड़ दिया जाए, मर्रे और डार्लिंग जो नदी है वही केवल यहाँ पे नहीं गिरती है, वो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट में जाके गिरती है, वो अलग बात है। हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप वाला पूरा एक मैप किया है, उसमें आपको मिल जाएगा ये चीज़ें। तो आयर्ड झील कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की। तो ये सभी झीलें कवर हो गई, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है, लास्ट के 20 डेज में आपको 16 टेस्ट मिलेंगे। आप डेली केवल 50 क्वेश्चन है लेकिन उसकी एक्सप्लेन आंसर की है, अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। एग्ज़ाम के लेवल की पूरा 7355549135 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ से जाके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे PDF वगैरह सब प्रोवाइड किए जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ग्रेट 10 क्लासेस।